पापा ने आज हेयर कट करवाया, वो पापा आप तो बहुत हैंडसम लग रहे, दिखा दे अपना हेयर कट दिखा दे। आई थिंक इसमें पस कहते हैं वो आ गया, पानी आ गया और बहुत दर्द है इसमें। चिट खा चिट। YouTube family, welcome to Masala Vlogs, another vlogs. मैं हूँ मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या एहवान है? और आज आप देख रहे होंगे लोकेशन चेंज है, क्योंकि भाई जो हमारी सबीका है उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जो है रोज़ाना एक ही लोकेशन पे खड़े होके जो है वो वीडियो स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए। तो मैंने कहा भाई हमारी सबीका जो इंटरेस्ट ले रही है काम में तो उसकी बातें जो है सुन लेनी चाहिए। चले जी व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और इस वक्त जो है यहाँ पे बज रहे हैं शाम के 6 और देखें कैसी चिटचिटाती हुई धूप जो है पता नहीं कैसे मम्मा होती ना मेरे सही करती कि चिटचिटाती नहीं चिट खाती, मैं भी बोल नहीं पा रही हूँ, वैसी जो है धूप हो रही है। और वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मम्मा क्या बोलते हैं, कौन सी धूप है चिटचिटाती चिन क्या चिलचिलाती धूप है। तो चलें जी पहले आपको चिलचिलाती धूप दिखाते हैं, फिर आपको एक चीज़ दिखाएंगे। ये देख लीजिए भाई, सबसे पहले तो आप देख लीजिए हमारे इस प्यारे से सूरज को, उसके बाद जो है नीचे का जो है एनवायरनमेंट दिखाते हैं। गटर लाइन देखें, ये देखें, आप देखें गटर लाइन का जो है मसला हल होने वाला है। बड़े बड़े से पाइप आ गए हैं ये डलेंगे। मैंने कहा था ना इनका बिज़नेस जो है इससे बहुत इफ़ेक्टिव हो रहा है, जिसके लिए ये लोग जो है कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। तो ये पाइपलाइन वगैरह डलेगी तो गटर का जो है मसला हल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये बड़ा मसला यहाँ पे हो गया है। अभी जब तक गर्मी है ना तब तक ना आपको मुझे ऐसे ही देखने की जो है वो किस तरह मैं दिखाऊँ आपको अपना, पता नहीं कैसे लड़कियाँ जो है वो सेट कर लेती हैं कैमरा, ये मुझसे नहीं हो रहा है सेट। ये शायद सभी का आएगी तो बताइए कैसे सेट होगा ये, इस तरीके से करके ना कैसे सेट होगा, ये नहीं हो रहा यार, ये आ रहा है। चले जी मैं ये बंद करती हूँ। हाँ ये देखें यूँ थोड़ा थोड़ा सेट हुआ है। वैसे जब तक गर्मी है आपको मेरा हुलिया कुछ इसी तरीके से जो दिखने वाला है। और कल सैलून में काशीस सुन के तो हमने कहा भाई काशीस तो मेरे पास भी है, बस ये है कि मुझे इसकी कदर नहीं है। तो ये काशीस की लिपस्टिक भी मेरे पास है तो आज मैंने निकाली, तो मैंने कहा आज मैं वीडियो में यही लगाती हूँ और आपको जो है मैं यही लगा के जो है दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। क्योंकि बस कहते हैं ना जब चीज़ होती है आपके पास आपको कदर नहीं होती है, तो वहाँ पे इतना काशीस सुन सुन के ना मैंने कहा चलो भाई दिखा दे, क्योंकि जौहर में यहाँ पे इतना ज़्यादा काशीस का मुझे नहीं लगता है कि बाल बोला है। हैर मामा नहीं सुनने को मिलता है ना यहाँ काशीस का, हाँ जिसका यहाँ पे जो सैलून है बस उसी का नाम है, ये काशीस वगैरह का इतना ज़्यादा नहीं है। तो चले जी इसको लगाते हैं। यहाँ पे देखें मैंने जो है लिपस्टिक लगा ली और मैंने कहा कि गर्मियों के लिए ठीक है ये शेड, क्योंकि ये शेड जो है ये हमारी मम्मा ने अपनी पसंद का हमें जो दिलाया था। और मम्मा ने यहाँ पे मेरे बालों को जो है ठीक, देखें बालों को जो है एक मिनट ऐसे कर ले दो, बालों को देखें एक शेड ले लेंगे मेरे बाल। मम्मा पता है सन लाइट में ना ये सब ना मैरून अब दिखते हैं थोड़े थोड़े से, पीछे की लटकने भी मेरी मैरून हो गई है इससे शेड ले लेंगे। तो अच्छा मुझे यहाँ पे कहना था कि अभी जो है आप लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया हमारा मेकअप ट्यूटोरियल, मतलब हमें जो है इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली। मम्मा भी बहुत ज़्यादा खुश होती रही, जितना देर हम वहाँ बैठे रहे वो उन्होंने माशाल्लाह हमारी बड़ी खातिर मदारत की है ना, मम्मा का बड़ा ख्याल रखा। देखते हैं कौन है, पानी आया होगा तो मैं जो पापा के रूम में चली जाती हूँ। मम्मा पानी ले लें, मैं पापा के रूम में आके आपसे बातें करती हूँ। चले जी टप टप टप, क्योंकि मम्मा जो है पानी ले, डोर को जो है हम जरा बंद कर देते हैं। और भाई उन्होंने जो है हमारी बड़ी खातिर मदारत की और बड़ा सब कुछ बड़ा मतलब बहुत अच्छा रहा। लेकिन अभी जो है मम्मा ने कहा और हमने भी डिसाइड किया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और कल का भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो और अभी गर्मी जो है बढ़ने वाली है। तो अभी कुछ दिन क्योंकि मतलब प्रोफेशनली मैं और सभी का जो है वो कोई मॉडल नहीं है, हमें मतलब हुआ कि हाँ इंस्टाग्राम पर माशाल्लाह 10K जो है वो फॉलोअर्स हो गए, टिकटॉक पर हो गए, तो डेफिनेटली आपको जो है फिर इन्विटेशंस आने शुरू हो जाते हैं, ऐसा हो सबके साथ ऐसा होता है। तो हमें भी आने शुरू हुए तो हम लोग हमने रिसीव किए, लेकिन अभी कुछ दिन अभी हम रिसीव नहीं करेंगे। हाँ अगर इस तरह का कुछ अलग से कोई चीज़ अगर मिली और इतनी गर्मी नहीं हुई, क्योंकि हमारे साथ जाती हैं हमारी मम्मा और हमें उनकी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, खुदा न खास्ता कुछ अनहोनी ना हो जाए, हीट स्ट्रोक ना हो जाए, कुछ ना मम्मा को हो जाए। तो इसके लिए अभी कुछ दिन मतलब अभी इसको हम होल्ड में रखेंगे और अभी कोई भी इस तरह की चीज़ मतलब कहीं जाने की चीज़ जो है सैलून ये मेकअप वगैरह की ये रिसीव अभी नहीं करेंगे।
और मतलब अपने कामों में लगते हैं, घर के कामों में लगते हैं। आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो घर है, वो यही सब है, और बस जी अभी जो है बैक हो जाते हैं। और हमने बहुत इन्जॉय किया ये दो चीज़ें, बहुत 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 और बहुत दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमें ये दिन देखने को मिले। और इसमें भी ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज देखिए क्या हालत इस वक्त हो रही है, आज कल से ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अभी जो है कुछ दिन इसको छोड़ते हैं, और अभी जो है बहुत सारी चीज़ें, अभी मदर्स डे आ रहा है, और हमारी अपने भी काफ़ी प्लानिंग है कि हम मतलब जो ज़्यादा मतलब करते हैं ये प्रमोशन वीडियोज़ जो है, इसको अभी साइड पर थोड़े दिन लगा देते हैं, फिर इसको फिर लेना शुरू करेंगे। और अभी जो है चले फिर देखते हैं पानी भरा है कि नहीं भरा है, फिर किचन में चलते हैं। चले ये अल्हम्दुलिल्लाह पापा जो है ऑफिस से जो है खैर खैरियत से आ चुके हैं, और पापा ने आज हेयर कट करवाया। वाह पापा आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं, दिखा दे अपना हेयर कट, दिखा दे। शर्मा गए पापा, अपना हेयर कट नहीं दिखाएंगे भाई। ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ी रौनक है आपके घर में। माँ बाप घर आए, माँ बाप नहीं मतलब बाप घर आए ऑफिस से, और सामान जो लेकर आते हैं पापा रोज, अभी दिखाती हूँ वो क्या लेकर आए। तो माशाल्लाह बहुत बड़ी मतलब नेमत है, रौनक है। ये देखें पापा जो है अंडा डबल रोटी जो है लेकर आए हैं, और अभी जो है मैं इसको सेट कर देती हूँ अंडे को, और डबल रोटी जो ऐसी रहने देते हैं। अभी जो है मैं किचन में आ गई, और मामा कह रही है भाई गर्मी बहुत है, तो मुझे जो है कुछ लाइट खाने का दिल कर रहा है। तो मामा का दिल कर रहा था दाल चावल और विंग्स खाने का, चिकन विंग्स रखे हुए थे। तो मैं बहुत मज़ेदार से, अपनी तारीफ अपने मुँह नहीं करनी चाहिए, पर मैं जो बड़ी अच्छी सी जो है ब्लैक पेपर विंग्स बनाती हूँ, तो मैंने सोचा मैं बना ही रही हूँ। तो अभी किचन को भी जो है मैंने काफ़ी दिनों से जो है वो इग्नोर किया हुआ था भाई, बड़ी परेशानी हो रही थी। और अरमान हसन, हाँ भाई खैर खैरियत से जो है बस जी औरंगी चले गए, और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज से मतलब इतने साल पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे जाने का, लेकिन खैर सब कुछ बहुत अच्छे से जो है हो गया। और बस जी राइड, हाँ यहाँ से कोई राइड नहीं मिल रही थी, कोई भी तैयार नहीं था। आज भी मेरी बहन ने देखा कि ऐसा तो नहीं कि हमारा भाई जो है उसने किया है, तो नहीं जी आज भी कोई राइड तैयार नहीं हो रही थी जाने के लिए, और कोई मिल ही नहीं रही थी। कह रहे गर्मी बहुत है तो हम इतनी दूर नहीं जाएंगे, जौहर से कोई जाना ही नहीं चाह रहा था वहाँ औरंगी साइड पर, तो बड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन खैर छत्री प्रसाद वाले भैया हमें ले गए, तो इसीलिए जो है बस ये यही था कि अच्छे से मिल गया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप व्लॉग देखते हैं, कमेंट करते हैं। और ये जो है यहाँ पे चिकन ले लिए, मम्मा ने चिकन मुझे दे दिए, सामान वगैरह सब मैंने सेट कर दिया है। तो मैंने कहा चलो जी रेसिपी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब मेरी असल पहचान तो यही सब है, और मेरा दिल भी जो है इन्हीं चीज़ों में जो है लगता है। और फिर जो चीज़ मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ जी वो कोई इंटरटेनिंग होगी, और मम्मा की हेल्थ को भी ध्यान रखना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब हम वो उसको कर लेंगे। और सुनना है कि आपके लिए कौन सा गर्मी ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद। और इस बीच जो है हमारे भी काफ़ी सारे प्लान हैं, और चलें फिर जो है इसको मैं अपने इस ट्राईपॉड पर जो है वो सेट कर देती हूँ रिंग लाइट के साथ, और यहाँ पर रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ। जैसे जैसे बनेगा तो वो आपको जो है मैं दिखाऊँगी कि मैंने जो है वो क्या बनाया है। मैंने जो है यहाँ पर दाल बना ली है, और तड़के शड़के भी मामा ने लगा लिए, मामा बहुत ज़्यादा सुपर है। चावल भी मामा ने बना लिया है, और अब मारिया को जूता लग रहा है कि देखो मेरे सारे काम हो चुके हैं। तुम इतनी लेट लतीफ की हो, जबरदस्त किस्म का जो मुझे जूता पड़ रहा है कि मेरे आने में देर कर दी, क्या करें गर्मी बहुत ज़्यादा है। पर नहीं माओ को गर्मी नहीं लगती है, वो बच्चों का खाना ऐसे दिल से शौक से बना रही होती है ना, उन्हें गर्मी नहीं लगती है। चिकन यहाँ पे रेडी हो गई है, गुड़िया खान देख लो, तुमने कहा था नोज रिंग नहीं पहने सभी का, तो प्यारी लगेगी, और देखो उसने नहीं पहनी कितनी प्यारी लगी। थैंक यू तुमने जो है हमें बताई ये बात, और मैं भी शामिल आप ही, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। समन जगी थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, लव सिस्टर्स। और आयशा उरूज थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, अलीना थैंक यू। वेलकम टू मसाया व्लॉग्स, और वेलकम हो चुका है आपके आने से पहले। मैं तो अभी आई हूँ ना, और चिकन हमने खा लिया, मतलब खाना हमने खा लिया, बहुत ही बहुत लजीज चिकन थी, मज़ा आ गया खाकर। और मेरे पैरों के साथ एक मसला हो गया, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ, और आप लोग से हेल्प लूँ कि अगर आप लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपको कोई नॉलेज हो तो मुझे गाइड करो मैं क्या करूँ। मैं देखो मैं मारिया वगैरह दिखाऊँ, मेरा पैर मैं दिखाऊँ, दिखाओ ये आपको अगर शो हो रहा होगा यहाँ पे, ये देखो ये आई थिंक इसमें पस कहते हैं वो आ गया, पानी आ गया, और बहुत दर्द है इसमें। मैंने इसमें पॉलीफेक्स पायोटीन सब कुछ डाल के देख लिया है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये जो साइटें काली दिख रही है ना पायोटीन की वजह से, पर इसमें बहुत दर्द है। तो अगर आप लोग को कुछ पता है तो मुझे प्लीज़ गाइड करो कि मैं इसमें क्या करूँ। मैं आप लोगों को मारिया साइजन को जूम करके दिखा सकती होगी, तो मेरी मुझे ज़रा बता देंगे मैं इसके लिए क्या करूँ। इसमें बहुत दर्द है, और इसमें पानी टाइप का कुछ आ गया, स्वेल हो गया है। और एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो मैं मारिया के साथ करूँगी। मारिया अच्छा, काफ़ी दिनों से जो है एक चीज़ है वो है कि मुझे जो है वो ओपन पोर्स के इशू हो गए हैं, और पोर्स जो है मतलब चेहरों पे जो है एक गड्ढे हो जाते हैं ना छोटे, आपको ऐसा लगता है किसी ने पिन आपकी चुभा दी है, तो वो गड्ढे चेहरे पे बन चुके हैं, और वो इतने ज़्यादा कोई हो गए मतलब
ये थोड़े से इतने इतने एरियाज में है और इतने एरिया में बस ये मेरा है। तो इसको कवर करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ किया है, तो वो ये कि मैंने घरेलू टोटके बहुत किए थे, अंडे की सफेदी लगाना, एलोवेरा यूज़ करना, और मैंने बहुत कुछ किया था लेकिन उसके जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है कि स्किन जो है अच्छी हो गई, इम्प्रूवमेंट होती है होम रेमेडी से। लेकिन यहाँ पे जो है हमने मंगवाया है डर्मा रोलर, जो कि है दराज से ऑनलाइन मंगवाया है। अच्छा जी, मैं इसकी कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, इन्होंने कोई हमें फ्री में नहीं दिया, ये हमने 450 रुपये इसके पे करके ये मंगवाया है, और ये ऑर्डर जो है हमने घर में मंगवाया है। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का है ये पैकेट में, इस तरीके से इसकी जो है बहुत अच्छी सी जो है इसकी पैकेजिंग हुई हुई है यहाँ पे। और इसको जो मैं खोल के, अच्छा एक बार हमने यूज़ कर लिया था लेकिन वो फर्स्ट टाइम था तो इसलिए जो है नहीं दिखा सके, मैं बहुत ज़्यादा डरे हुए थे हम लोग, तो इसलिए जो है ये वाला। अच्छा मुझे कहना था दारू, आप सभी का देखकर अपनी शॉर्ट बना के डर्मा रोलर वाली दिखाई है, तो आपने जो है कमेंट करके जो जो तरीके जो जो मेथड आपने बताए हैं तो हम जो है उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गाइड। और प्लीज तुमने जो बताया कि इसको जो है किस तरह से यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, थैंक यू सो मच, तुमने भी जो है हमें गाइड किया, तो प्लीज़ हम लोग भी उसको फॉलो करेंगे। और अब जो है ऑल्टरनेट डेज में जो यूज़ करना है, मतलब कि कल यूज़ किया था तो आज का दिन जो है नहीं यूज़ करेंगे, अब हम कल यूज़ करेंगे, तो कल जो है वो तमाम मेथड दारू और पीस आप लोगों ने जो बताया तो उसको जो है वो हम लोग फॉलो करते हुए जो है ये यूज़ करेंगे। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके, तो इसको जो है स्किन पे इस तरीके से करना है। उसके बाद जो है आपने एलोवेरा बोला है उसको, चल ठीक है एलोवेरा लगा लेंगे, नहीं तो अभी जो है हम लोग पायोडीन लगाते हैं, क्योंकि इससे इसको करने से स्किन जो है ना आपकी इंजर्ड हो जाएगी, जख्मी हो जाएगी स्किन। उसके बाद उसमें पापड़ी जमेगी, और पापड़ी जमने के बाद जब वो पापड़ी निकलेगी तो आपकी स्किन पे जो है वो ये पोर जो है ना वो ये हिल हो जाएंगे, ये भरा जाएंगे, तो स्किन जो है पूरी नहीं हो जाएगी। तो चले जी 2 से 3 महीना करके ये देखते हैं, होपफुली कि इम्प्रूवमेंट इससे आ जाए, नहीं तो फिर जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट तो जिंदाबाद, लेकिन हम आखिरी आखिरी वक्त तक कोशिश करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास ना ही जाए तो बेहतर है। तो बस ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी यहाँ पर, और इसको जो है मैं अभी रखती हूँ। इस तरीके से सैलून जाके मेकअप कराने का हमें एक फ़ायदा होता है, हमारा मिरर देखें कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, इसको जो है क्लीन कराना हो गया, इसको चेंज कराने की ज़रूरत है, ये अब साफ नहीं होता है। लेकिन खैर यहाँ पे देखें कितने सारे लैशेज जो है वो हमें मिल चुके हैं, इसका एक मिस है वो सभी का ने बाउल में रख दिया, तो चले जी इसको मैं सेव कर देती हूँ क्योंकि वेस्ट तो बिल्कुल नहीं होंगे, इनको मैं सेव करके जो है वो रखती हूँ। चले यहाँ पे जो है अब काफ्तान जो है कल ला के रखा हुआ, तो बस हिम्मत ही नहीं होती, रखो रखो, तो अब जो है इसको पैक वैक करके रख देते हैं। ये देखें ना ये हुआ हुआ है अभी, तो आपको इतना अभी असल में ये बिल्कुल इनिशियल है ना, बिल्कुल छोटा छोटा सा है ना, इसलिए आपको दिख रहा है, तो इसी वक्त जो है काम कर लें तो अच्छी बात है। और मुझे यहाँ पे कहना राना सऊद, थैंक यू सो मच, आपने जो वीडियो देखी कमेंट किया उसमें बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साजिद, एड्रेस तो मुझे अभी ज़माने याद नहीं है, बस ये कि औरंगीटॉन हम लोग गए थे, बाकी ये कि वीडियो जो मैंने व्लॉग बनाया हुआ है औरंगीटॉन वाला, तो उसमें जो है मैंने प्रॉपर एड्रेस और लोकेशन जो है सारी दिखाई है। अच्छा जी यहाँ पे मुझे कहना था सालन रोटी ऑफिशियल, थैंक यू सो मच, तुम्हें सभी का अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, और तुमने अल्लाह क्या यार दिला दिया, मुख्तार के कबाब और कचौरी का नाम लिया तुमने, तो ये मुख्तार जो है ये किस ब्लॉक में होते हैं, तो ये ज़रा मुझे बता देना, मे भी कि हम लोग पापा को जो है इन फ्यूचर जो है राज़ी कर पाएँ कि वो हमें जो है ले जाएँ, लेकिन होप कम है। लेकिन अगर कभी जाना हुआ तो इसको जो है मैं कभी मिस नहीं करूँगी, लेकिन मैं बताया ना रात बहुत हो गई थी, निकलना बहुत ज़रूरी था, तीनों अकेले थे, और इस तरह की जो है ये इतने लॉन्ग ट्रिप जो है हम तीनों ने फर्स्ट टाइम जो है स्टार्ट किए हैं, तो ज़रा शुरू में तो थोड़ा सा डले, आहिस्ता आहिस्ता जो है हम लोग आदि हो जाएंगे। और गेम चेंजर भाई, वो पहाड़ी वाली बात कहने का मकसद मेरा ये नहीं था, मेरा मकसद ये था कि मैंने एड्रेस बताया था कि लोग जो है सोशल मीडिया पे इनको देख के, कि मतलब ये इतना वर्क कर रही है सोशल मीडिया पे कि अंदर की तरफ कैसे सैलून हो सकता है, तो मैंने वो एड्रेस बताया था, खवातीन ने मुझे बताया गली के अंदर जाके उल्टे हाथ पे घूम के पहाड़ी है उस पर वो घर है। और इन सारी बातों से मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया, इसका मतलब तुम शादी हो गए जौहर आ रही हो, चलो जी आ जाओ। और रावी ब्यूटी सैलून, अगर उन्होंने जो है हमें इनवाइट किया तो हम ज़रूर जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमें इनवाइट करें और हम ना जाएं, अगर उन्होंने किया तो हम जो है वो इंशाल्लाह उनके अभी जो है ज़रूर जाएंगे। और चलें इसी के साथ ही जो आज की वीडियो को जो है करते हैं, वीडियो बड़ी लेंथी हो गई है, नगरेश खान आमीन, और आज की वीडियो को जो है करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम टिकटॉक और फेसबुक पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा, ये मैं कहना भूल गई थी।